प्रतिदिन 8 बजे से हंस रहे हो, हमारी क्लास चलती है। तो आज हम लोग कक्षा 12 रसायन विज्ञान का एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं, और हर नए अध्याय को शुरू करने से पहले हम एक जो है रण क्षेत्र तैयार करते हैं। देखो भैया, अगर कोई युद्ध जीतना है तो 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, बताना। रणनीति, नीति में कौन सा मात्रा रहेगा जी? ना रण भूमि, जिसे रण क्षेत्र कहते हैं, और तीन चीजों का आप अपना प्लान तैयार करिए, रणनीति बनाइए। सबसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पहले रणभूमि देखिए। एक मैं देख रहा था, खान सर का ही वीडियो था, हाँ, उसमें वो समझा रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका वो देख के, आप लोग भी सीखा करिए यार। कह रहे थे बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी का, हाँ, कि इब्राहिम लोदी क्यों हार गया। तो बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, तो बाबर बाहर से आया था उस समय, भारत कि दिल्ली सल्तनत पर किसका, इब्राहिम लोदी का जो है चल रहा था। तो उन्होंने बताया कि इब्राहिम लोदी हार क्यों गया था, जबकि इब्राहिम लोदी के पास हाथी घोड़े सैनिक वैनिक बहुत ज्यादा थे। वो रणभूमि और रणनीति नहीं बना पाया। तो रणभूमि और रणनीति कैसे नहीं बना पाया? हुआ ऐसा था कि जो बाबर था, वो जब अपना वो जो जब बैटल करने आया था, जिस कौन सा पानीपत का युद्ध था, मेरे मैं मुझे नहीं, आखंड सर बताएंगे, सही बात है, पानीपत का युद्ध था। तो उसमें ऐसा था कि जो बाबर आया था, कम से कम 2 से 3 किलोमीटर में उसकी जो है सेना फैली हुई थी, 2 से 3 किलोमीटर में सेना, और उसने अपना जो रणनीति बनाया था, पहले तो रणभूमि देख लिया इतना बड़ा, उसके बाद रणनीति, तो उसने अपने सैनिकों को कुछ इस तरीके से खड़ा किया होता, इस तरीके से, किसने, बाबर ने, और जो हमारे इब्राहिम लोदी थे अपने यहाँ के, ये जो है एकदम सीधा सीधा, और उनकी रणनीति। अच्छा, उसमें ये भी बता रहे थे जो है कि जब आपका ये जो कर्व है, जब ये इसकी इसकी जो रेडियस है, इसका जो डायमीटर है, वो अगर 2 से 3 किलोमीटर होगा तो वो भी आपको स्ट्रेट दिखाई पड़ता है। लोग समझ में नहीं आता कि कर्व है ना, वो ऐसा लगता है कि एकदम सीधे सीधे हैं। अब उनके सामने ये खड़ा कर दिए। अब इनकी रणनीति क्या थी कि जैसे ही ये लोग आगे बढ़े, इधर की सेना पीछे हो जाए। तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ते थे, जो है बाबर की सेना जो है पीछे जाती थी, तो इब्राहिम लोदी को लगा डर के भाग रहे हैं, और दौड़ाओ, इनको क्या पता कि ये पीछे जा रहा है तो ये आगे, और ऐसे जाके पूरा जो है घेर लिए। और घेरने के बाद तो भैया सीधी सी बात है, तुम डायरेक्ट युद्ध करने उतर जाओ, तुम्हारी मर्जी, या फिर रणभूमि देख लो, ये और रणभूमि हो तो रणनीति बना लो। कितने चैप्टर है केमिस्ट्री में? 10। तो 10 रणभूमियां हैं, तो 10 रणनीति भी बनानी पड़ेगी। हर चैप्टर की रणनीति अलग अलग होगी। जैसे पहले चैप्टर की रणनीति हमारी क्या थी कि जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, सांद्रता तक का एक टॉपिक और अणुसंख्या गुणधर्म का एक भाग, 2 भाग में डाइवर्ट हो गया। अब उसका न्यूमेरिकल अलग, इसका न्यूमेरिकल अलग सॉल्व कर डालो,
आज 200 से 250 न्यूमेरिकल के बीच में आपने उसको सॉल्व कर लिया। पाठ सिंह कहाँ तक? 200 203 से ज्यादा कोई किया? 220 से ज्यादा कोई किया? अरे वाह, कितना? 298। तिहरा शतक क्यों नहीं लगाए? दो रन से आउट, दो और मारी, ट्रिपल सेंचुरी लगनी चाहिए। आने वाले युगो युगो तक ये रिकॉर्ड कोई ना तोड़ पाए। अब नया चैप्टर वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन को भी दो भागों में बांटना है। एक भाग इसका न्यूमेरिकल का है और एक भाग इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आंसर का है। केवल क्वेश्चन आंसर नहीं, उसमें अच्छे प्रश्न बनते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आंसर। तो दो भाग में है वैद्युत रसायन। अगर मैं वैद्युत और रसायन दो अगर देखूं, वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एक वो हिस्सा जो हमें केवल रसायन विज्ञान में पढ़ना पड़ता है, और एक वो हिस्सा जो हमें इस चैप्टर के साथ साथ फिजिक्स में भी पढ़ना पड़ता है। जैसे एक नियम आता है फैराडेज लॉ, अभी फिजिक्स का पार्ट है, लेकिन अगर कहें वैद्युत रासायनिक श्रेणी, अगर इस चैप्टर को दो भागों में बांट दो ना, तो एक हिस्सा फैराडे आ जाएंगे और एक आ जाएगा वैद्युत रासायनिक श्रेणी, और दोनों अपने अपने टॉपिक के मेन मेन हथियार हैं। कोला राउस के नियम से शुरुआत हो रही है, इसमें ये आ गया पार्ट वन। अभी देखते चलना पार्ट वन कहां से कहां तक है। मोलर चालकता, कोला राउस का उपयोग, वियोजन की मात्रा, वियोजन स्थिरांक, वैद्युत अपघट, सेल स्थिरांक आएंगे आगे। इसके बाद दुर्बल वैद्युत अपघट, चलिए ये तो हो गया आपका, ये टॉपिक का वैद्युत अपघट का हिस्सा है कि कौन कौन सा दुर्बल वैद्युत अपघट और दुर्बल प्रबल वैद्युत अपघट है, जो जल में वियोजित की मात्रा कम होती है वो दुर्बल, जिसकी ज्यादा होती है प्रबल। फिर आते हैं वैद्युत अनपघट क्या है, आयनी थी ना, चैप्टर वन में भी इसका चर्चा हो चुका है, वैद्युत अनपघट अवास्तुशील। फिर आता संचारण, कुछ ऐसे धातुएं हैं जो ऑक्सीजन और जल के साथ रिएक्ट करके अपना कलर चेंज कर लेती हैं, या रिएक्ट करके कुछ उसमें से कमी आ जाती है, जैसे लोहे पे जंग लगना, तांबे के लोटे का हरा हो जाना, एल्युमिनियम की तार का काला पड़ जाना, सिल्वर या गोल्ड के गहनों में कलर डार्क हो जाना, है ना, ये सब क्या है संचारण के उदाहरण है। ये सब कक्षा 10 का भी टॉपिक है ना, लेकिन यहाँ पे ब्रॉड लेवल में पढ़ना है। फिर संचारण के प्रकार, संचारण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, उसके बाद संचारण, वही तो सोच रहा हूँ कि एक टॉपिक कहाँ चली गई, यहाँ चली गई, संचारण रोकने के उपाय कौन कौन से उपाय हैं, पॉलिश कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, रिएक्ट ना होने दीजिए। फिर आती है सेल बैटरी, फिर आता है आपका द्वितीयक सेल, ये प्राथमिक सेल कहाँ गया, ये प्राथमिक सेल है, ठीक है, प्राथमिक सेल कहाँ गया, ये मरकरी सेल है, हाँ द्वितीयक सेल प्राथमिक सेल कहाँ गया, हाँ ये है, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ये मैंने कहा क्यों कहा इसको प्राथमिक, ये प्राथमिक सेल के उदाहरण है ना, ये वही बैटरी है जो आपके उस घड़ी में लगी हुई है ना, ठीक है, ये देखो
है, घड़ी है वो, आम घड़ी है, कोई बहुत विशेष घड़ी नहीं है, द्वितीय एक्सेल, ये शीशा संचय एक्सेल, लेड एसिटेट बैटरी भी इसे कहते हैं, या द्वितीय एक्सेल का एग्जांपल है, यही है घरों में बैटरी में जो लगती है इन्वर्टर, इन्वर्टर वाली बैटरा बैटरी, ये यही है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर विद्युत रासायनिक श्रेणी, फिर आते हैं आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग, विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी के गुण, और यहाँ से आपका हो जाता है नहीं, बस ये हो गया आपका पार्ट वन समाप्त, ये हो गया पार्ट वन समाप्त, यहाँ से हो जाता है आपका पार्ट वन एंड, हैप्पी एंडिंग। अब यहाँ से आता, अब देखो यहाँ तक कोई अभी न्यूमेरिकल वाला पार्ट नहीं आया है ना, अब आता है न्यूमेरिकल का पार्ट, जैसे चालकता, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, इन सबसे भर भर के न्यूमेरिकल आएंगे, भर भर के न्यूमेरिकल आएंगे। विशिष्ट चालकता, अब यहीं पे होगा एक सेल स्थिरांक, या लापाने सेल स्थिरांक, मोलर चालकता तथा विशिष्ट चालकता में संबंध, यह मोलर चालकता और विशिष्ट चालकता में संबंध। फिर आता है मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता में संबंध, कैसे आता है सब पर डिस्कशन होगा। फिर आता है वैद्युत अपघट्य, अब आ गए भैया फैराडे का प्रथम नियम, फिर आता है फैराडे का द्वितीय नियम, फिर आता है फैराडे नियतांक जिसे कैपिटल एफ लगाएंगे, उसके बाद आता है आपका नर्ट्स इक्वेशन। अरे भार भार के न्यूमेरिकल, भार भार के न्यूमेरिकल। फिर आपका आता है सेल विभव के लिए नर्ट्स समीकरण, फिर आता है रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रोड के बारे में, इलेक्ट्रोड दो प्रकार के हैं, कैथोड एनोड, कैथोड और एनोड से मिलकर कैथोड पर जो है भैया रिडक्शन होता है और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। ये दोनों जब एक ही पात्र में रखे जाते हैं तो एक देखते हैं कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रहा है, उसी को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन निकालना भी आना चाहिए। फिर आता है आपका वही ऑक्सीकरण अपचयन, मैंने दो बताया रेडॉक्स रिएक्शन दो टाइप के, कहाँ है अपचयन ये रहा, फिर ऑक्सीडेशन और अपचयन में अंतर। अब आता है भैया भर भर के बार बार हर साल पूछता है डेनियल सेल का सचित्र वर्णन और उसकी क्रियाविधि बताइए। फिर आते हैं हम लोग जो है एक और लवण सेतु क्या है, ये जो दोनों को जोड़ने का काम कर रही है, क्यों कर रही है, कैसे कर रही है, चैप्टर में हम समझेंगे, ठीक है। अभी हम लोग क्या तैयार कर रहे हैं, रणभूम, हाँ देख लो भैया। फिर आता है आपका वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल कितने प्रकार के, इसमें दो चीज, गैल्वनी सेल भर भर के पूछ रहा है बार बार एग्जाम, उधर डेनियल सेल पूछ लेता है, गैल्वनी सेल पूछ लेता है, गैल्वनी सेल का सचित्र वर्णन और क्रियाविधि, ठीक है। वैद्युत अपघटनी सेल ये हो गया, और ये हो गया वैद्युत अपघटनी, वैद्युत अपघटनी सेल का ही एग्जाम्पल कौन है, गैल्वनी सेल। अच्छा यहाँ पे एक टॉपिक है आपकी सेल, कहाँ गई सेल, यहाँ पे आता है सेल, पहले सेल देखेंगे तब सेल के प्रकार देखेंगे, ठीक है। सेल एक ऐसी युक्ति है जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। फिर आता है आपका गैल्वनी सेल की विशेषताएं, दोनों में अंतर, ये भी सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि वैद्युत अपघटनी सेल और गैल्वनी सेल में क्या अंतर है, ठीक है। अच्छा एक शब्द आया था कौन सा जो है,
डेनियल सर, डेनियल सर के बाद क्या आया था? वैद्युत अपघटनी सेल ना, ठीक, हाँ वैद्युत रासायनिक सेल। देखो ये टॉपिक उठा के पहले कहां रखनी चाहिए, सेल के बाद, या सेल के बाद। अब उसमें वैद्युत रासायनिक सेल का प्रकार कौन है? डेनियल सेल। वैद्युत रासायनिक सेल का प्रकार कौन है? डेनियल सेल। उसके बाद हेडिंग आती है वैद्युत अपघटनी सेल। तब आता है वैद्युत अपघटनी सेल। वैद्युत अपघटनी सेल में कौन सा एग्जांपल आता है? गैल्वोनी सेल, ठीक। तो जो वैद्युत रासायनिक सेल है ये पहला प्रकार है, और ये वाला वैद्युत अपघटनी सेल दूसरा प्रकार है, ठीक। इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड विभव, एक पात्र जिसमें एक वैद्युत अपघट का जलीय विलयन डुबोया गया है, उसे उसी धातु के छड़ में डुबो दिया गया है। मान लो ये ZnSO4 है, तो ये Zn का छड़ है, Zn की तार है, Zn का रॉड है। ZnSO4 के जली विलयन में Zn की तार या Zn का छड़ डुबो दीजिए, उसी युक्ति को, उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसका दूसरा नाम अर्ध सेल है। क्या नाम है? अर्ध सेल, ठीक है। अब जब इसी दोनों को जब डुबोते हैं तो इसके मध्य विभवांतर स्थापित होता है। क्या स्थापित होता है? उसको कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहते हैं? अब इसी युक्ति, इसी घटना को, इसी इलेक्ट्रोड विभव को जनरेट करने के लिए हम लोग कमरे का टेम्परेचर यूज करते हैं 25 डिग्री, और इसकी जो विलयन की सांद्रता है वो 1 मोलर सांद्रता यूज करते हैं, तो इसको कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। फिर आता है आपका जो है कुछ स्किप हो गया क्या? ठीक, अब ये हो गया हमारा चैप्टर दाइन टॉपिक दाइन। मुझे बस इसमें एक चीज और ऐड करानी है दाइन से पहले, EMF विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। इसको EMF कहा जाता है। जब दो सेल को आपस में जोड़ते हैं तो एक में इलेक्ट्रोड, एक में विभवांतर स्थापित हुआ मानक इलेक्ट्रोड विभव, दूसरे में भी विभवांतर स्थापित हुआ मानक इलेक्ट्रोड विभव, और उन दोनों के अंतर को EMF कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत वाहक बल। इसको ई सेल भी कहते हैं। मान लो एक इलेक्ट्रोड ये है, ठीक, एक इलेक्ट्रोड ये है, अगर इन दोनों को किसी गैल्वेनोमीटर या वोल्ट मापी यंत्र द्वारा जोड़ लिया जाए तो ये कंप्लीट युक्ति सेल कहलाती है। अदरवाइज ये अकेला कैसा था? अर्ध सेल। ये कैसा था? इनमें से एक अर्ध सेल क्या हो रहा था उसमें? ऑक्सीकरण। एक में जब तक दोनों को कनेक्ट नहीं कराएंगे ना तब तक ऑक्सीकरण अपचयन नहीं होगा। इसकी इस्तेमाल हम लोग करेंगे वैद्युत रासायनिक सरणी से। समझ में? ये तो था हमारा पाठ्यक्रम अकॉर्डिंग टू NCERT। हम लोग इस समय आरंभ बैच पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री पढ़ी जा रही है, उत्तर प्रदेश की सबसे अच्छी हिंदी मीडियम की क्लास 8 बजे से। ये जो पैटर्न, ये जो पाठ्यक्रम था हमारा, वो कौन सा पाठ्यक्रम था? NCERT बेस्ड।
एनसीईआरटी कहती है कि इस तरीके से आपका पाठ्यक्रम होना चाहिए, तो उस तरीके से पाठ्यक्रम है। लेकिन हम जब पढ़ेंगे तो किस पाठ्यक्रम के साथ पढ़ेंगे? सरप्राइज पाठ्यक्रम के साथ। क्या अंतर होने वाला है? हर एक चीज दूसरे चीज से रिलेटेड होगा, तब लास्ट तक पहुंचेंगे। माने शुरुआत करेंगे जीरो लेवल से, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड अगली टॉपिक, उससे रिलेटेड अगली टॉपिक, उससे रिलेटेड अगली टॉपिक, उससे रिलेटेड अगली टॉपिक। ये जितने लोग यहां बैठे हैं और जो नहीं आ रहे हैं, उन दोनों में अंतर आप एकदम स्पष्ट समझ लीजिए। अगर एक टॉपिक मिस आप कर रहे हैं तो दूसरे टॉपिक पर प्रभाव पड़ेगा। और इसीलिए चूंकि किसी भी प्रकार से आपकी पढ़ाई ना रुके, इसके लिए ही हम लोगों ने जो है ऑनलाइन कोर्स भी तैयार किया हुआ है 999। कितनी भी बार जाके उसको घर पे देख लीजिए, समझे अभय सिंह? हाँ, बार बार रिवीजन कर, ऐसा पढ़ के वैसे भी आपको पूरे उत्तर पर देखो होता क्या है। कभी आप लोगों ने सीरियल तो देखा ही होगा, है ना, नागिन 5। नागिन का कौन सा सीजन चल रहा है इसमें? 7-8 आ गया होगा। पार्ट 6। अच्छा, हम लोगों के जो सीरियल आता है ना, जो मम्मी और भाभी लोग देखते हैं ऐसे बैठ के, हिम्मत तो अगर किसी की कोई रिमोट चेंज कर दे। हाँ, अरे बिल्कुल, इसलिए घर में दो दो टीवी रखी जाती है, क्रिकेट वाले ग्रुप का अलग और सीरियल वालों का अलग, है ना। तो सीरियल भी कैसा आएगा उसमें? एक सीरियल में मैं देख रहा था, वो ऐसे करता है कि वो कहती है कि अगर तुम मेरे लिए चांद तोड़ के लाओ तो मैं जान जाऊं। अरे तो वो चांद तोड़ने लगता है और इसे पता नहीं क्या मारता है ऐसे करके चांद के ऊपर, टू 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 टू, और पकड़ के रस्सी की तरह उसको खींच रहा है पूरा चांद, और खींचते खींचते एक टुकड़ा तोड़ लेता है सफेद सफेद, ला के दे देता है। देखे ये सीन? देखो, दिखाओ जो लोग नहीं देखे हो, देखिए सरप्राइज में सब दिखाया जाएगा। अरे इसमें नहीं चलेगा, सॉरी। ये हाँ, साथ वाला साथी अभी वो पता नहीं उस सीरियल में क्या बोली, ये राशि चने चुरा ली, उस पर एक लोग गाना बना दिए, वो गाना बहुत पॉपुलर हुआ था। किस पे? ले लो, जमाना बदल गया है, मेरा भी टाइम आएगा और जब हम मजा लेंगे ना, हाँ तो तैयार है ना। जाने दीजिए। तो देखो, एक क्या होता है भाई, हम जैसे हम लोग रहते हैं ना, क्रिकेट ज़्यादा देखते हैं लड़के लोग और लड़कियाँ सीरियल ज़्यादा देखती हैं। तो ऐसा नहीं है किसी दिन 5 दिन अगर लगातार सीरियल देख लो, बैठना, अरे अच्छा ख़त्म भी कहाँ करते, एकदम एंड पॉइंट पर। जैसे फोर व्हीलर सड़क पे दौड़ रही है और सीरियल खत्म होने का टाइम आया है, तो क्या होगा मालूम है? ऐसे दिखाएंगे कि फोर व्हीलर खाई में गिर गई। और वो तो मैं डेली ले आ रहा हूं।
अरे वही बताओ ना, उसमें लगेगा कि हीरो हीरोइन गए, लेकिन कल के सीरियल में दिखाया गया कि 2 मिनट पहले कूद गए थे, गाड़ी तब बाद में गिरी। और फिर दिखाएंगे कि जैसे मान लो गाड़ी में बैठे हुए हैं और गाड़ी खाई में गिर गई और उसके अंदर बैठे हुए हैं, तो पक्का गाड़ी जो है सुरक्षित बच जाएगी, पानी में गिर जाएगा। हाँ, फिर उसके बाद कार से वो लोग तैर के बाहर निकलेंगे। और मान लो पानी नहीं है, ब्लास्ट हो गया, तो हवा के अंदर वो बाहर निकले कि उनका जो कपड़ा है किसी पेड़ पे अटक जाएगा। हाँ, और अगर मान लो उसके बावजूद भी अगर गाड़ी के अंदर वो नायक नायिका जो है ब्लास्ट हो गए, तो पिक्चर खत्म नहीं होगा, पुनर्जन्म होगा, फिर से पैदा होंगे। ये पूरा सीरियल कॉन्सेप्ट है। तो हमारा जो सरप्राइज गेस्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, पाठ्यक्रम समझ लीजिए, ये पीडीएफ आपको ग्रुप में मिलने वाला है, उसके बाद ये आपको जो है कोर्स में भी पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। हम जब अपना सिलेबस शुरू करेंगे तो हम इन्हीं में से कोई 0 नंबर से एक टॉपिक शुरू करेंगे, उसको पढ़ाते चले जाएंगे। कई दफा आप देखेंगे कि आपका कुछ टॉपिक जो है 2-4 पेज के बाद होगा, कुछ 10 पेज से पहले आ जाएगा, कुछ ऐसे आ जाएगा, तो आपका जो नोट्स बनेगा वो हमारे अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक, आपको इस्तेमाल उसका करना है, कहाँ न्यूमेरिकल लगाना है, कहाँ थ्योरी पोर्शन लगाना है, कहाँ कैलकुलेशन करना है, वो सारी चीज़ें हम सिखाएंगे, है ना। तो ये चीज़ें शुरू होंगी कल से, और कल का मैं रिवील भी कर देता हूँ टॉपिक मैं कहाँ से शुरू करने वाला हूँ। टॉपिक मैं शुरू करने वाला हूँ यहाँ से, इलेक्ट्रोड से। कहाँ शुरू करने वाला हूँ? इलेक्ट्रोड से। तो तब तक क्या होता है इलेक्ट्रोड, कैसा होता है, कैसे पढ़ना है, कक्षा 12 का बैथ भी आ गया भैया, प्रतिदिन 10 बजे, कौन सा गणित, पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी गणित कोई नहीं पढ़ा सकता, सॉरी पूरे सुल्तानपुर में ऐसी कोई गणित नहीं पढ़ा सकता, अभी उत्तर प्रदेश तक नहीं पहुँचे हैं, है ना, पूरे उत्तर सॉरी, है ना। और जो भी चाहे आप लोगों को कोई भी प्लेटफॉर्म दिखे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, है ना, और कौन सा है, लिंक्डइन, हाँ, टिकटॉक, है ना, चाहे जहाँ, चाहे टेलीग्राम, हर जगह सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर सर्च करें, सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर, और उसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करना हो तो सब्सक्राइब करें, जो कुछ भी करना हो आप लोग इसको सपोर्ट करें। आज के लिए बस इतना ही, आगे कल, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।